अभी सारे जूकी जो है ना हम लोग सफाई करके गए थे, और हम लोगों ने जो है ना वो कहते हैं रैबिट्स का जो ग्लास बॉक्स है वो भी साफ़ किया, और मैंने फिर अजलान से बोला सारे बर्तन निकाल के यहाँ रखो, अभी अभी आके ना पानी भरते हो रखते हैं। और अजलान ने पीछे से देखें क्या किया है, इस सारी की सारी यहाँ पे कीचड़ कर दी है और सारे बर्तनों में पानी भर के रख दिया, और सारी डकलिंस ने और स्नो स्नो ने इसको डिस्टर्ब कर दिया। मैंने क्या बोला था आपको, हैं, मैं आपको बोल के कहता कि मैं आता हूँ फिर बर्तन भरता हूँ, आपने सारा यहाँ पे कीचड़ करवा दिया। चलो ठीक है, अब एक एक बर्तन जिसमें भरे हुए ना पानी वो सारे पानी उनके रखना शुरू करो। ठीक है अबान, बल्कि एक काम करो आप जो है ना, मैं पानी खोलता हूँ या पानी वापस गिराओ इसके अंदर, क्योंकि ये सारे जो है ना उन्होंने गंदे कर दिए पानी, इनके अंदर दोबारा भर भर के रखो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के एक नए ब्लॉग में आप सबको खुश आमदीद, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। दोस्तों अबान और अजलान और आयजा ने जो है ना हमारे ये सारे जितने भी यहाँ पे बर्तन पड़े हुए थे सब में पानी भर भर के सबके मिनी केजेस के अंदर रख दिया है। और आयजा तुम्हारी आंखों इनसे ये हल्के क्यों पड़े हुए हैं? मैंने मेकअप किया है। तुमने मेकअप किया है सच्ची में? अपना एक्सपेरिमेंट किया होगा अपने ऊपर। एक्सपेरिमेंट किया है अपने ऊपर, खुद कर देती है। अच्छा अजलान, आज कहते हैं ब्लैक डायमंड ने अंडा दिया कि नहीं दिया? ब्लैक डायमंड ने तो दिया है अंडा, बस आपके थोड़ा आपके आने से पहले चिंकी खुल गई और चिंकी ने हल्का सा क्रैक कर दिया है। चिंकी ने उठा लिया अंडा इससे पहले? तो कहां दिया था ये अंडा? वहां पर शिपू वाली एरिया में। शिपू वाली एरिया बाबा, इससे पहले भी एक मुर्गी, पता नहीं सिद्धी मुर्गी ने दिया था अंडा या ब्लैक डायमंड ने, चिंकी ने पूरा तोड़ के खा गई थी। नहीं, वो ब्लैक डायमंड जिद्दी का नहीं, वो पिजन्स के अंडे खा गई थी, और एक दफा पहले इसने इसने डफ के अंडे भी खाए थे। एक और खाया। तो ये खुली कैसे थी यहाँ से? ये बहुत शरारती है। ये अंदर रहना बता रहा हूँ, तुम बहुत शरीर होगी, तुमने अंडा क्यों चाक मारा उसमें? ये अंडा, ये देखो अंडे को देखा ना, अंडा अंडा चाहिए तुम्हें? ये अंदर रहना, मारूंगा मैं तुम्हारे को, बाहर नहीं आना। ये देखो अंडे की तरफ कैसे हाथ बढ़ा रही है, ये अंडे पसंद नहीं। अंडा तुमने जो है ना, ये देखो ये तुम्हारे दांत के निशान है, बदतमीज, तुमने अंडा तोड़ दिया, तुम्हें शर्म नहीं आती? हम कितना टाइम, ओए गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, पिटाई करूंगा तुम्हारी, कितना गुस्सा कर रही है ये। अब ये बहुत शरीर हो गई है, ये बहुत शरारती हो गई है। अब वैसे जो है ना माशाल्लाह से हमारे साइड जो है ना जू के अंदर ही काफी साइड हो गई है, और जो है ना बच्चों बच्चों पर भी हमला नहीं करती। अब हमला करती है आप लोगों पर? आपके ऊपर करती है हमला? करती है, सिर्फ डराती है? मेरे ख्याल से काटे वाटे की नहीं, आपको ये सिर्फ सिर्फ डराती है, क्योंकि बच्चे भी जो है ना इसको काफी छेड़ते हैं, और ये अजलान को तो मैंने कई दफा देखा है इसको छेड़ा होता है, है ना? जी सर, मैं इसे सुधारूं और ये मेरे को मारे नहीं। कैसे सुधारोगे? डंडा लेके आता हूं, दिखाता हूं। डंडा दिखाने से डर जाती है ना? डंडा नहीं, इसको मारना नहीं, ठीक है, मारना वारा नहीं करो, बस इसको मारने के लिए मैं ही हूँ। जब भी कभी शरारत करेगी तो इससे इसकी पिटाई मैं करूंगा, और ये उस पिटाई से डर जाती है बहुत। सही है, अब तुमने आईना अंडा वंडा नहीं तोड़ना है, लेकिन इसको जितना भी समझा लो ये समझेगी नहीं, ये करेगी वही दोबारा से। बाबा बाबा, हम डफ के बच्चे हुए थे तीन, वो देखे आज? हाँ, तो देखते हैं, आओ देखते हैं क्या कंडीशन है उनकी। अभी जो है ना कल हम लोगों ने देखा नहीं था कि डफ के बच्चे जो है वो किस कंडीशन में है, अभी दोबारा देखते हैं, थोड़ा सा रिव्यू करते हैं कि हमारे बच्चे सेहतमंद हुए कि नहीं हुए। अजलान ने जो है ना घर में जाके बोला कि वहाँ पे ना सिर्फ दो बच्चे रह गए, एक है ही नहीं, अब सब डर गए कि पता नहीं कहाँ गया तीसरा बच्चा। देखो अबान, देखो जरा, तीन ही है, एक दो, तीसरा नजर नहीं आ रहा। बाकी तीसरा ये कहाँ रहा? यहाँ से दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा यार, तीन हाथों से करें, हाथ उंगली मार के देखें, मेरे को डर लग रहा है ना बच्चा डिस्टर्ब ना हो जाए यार। एक दो नहीं पता चल रहा, वन तुम सही से आओ अंदर आके देखो, मेरे हाथ में कैमरा भी है ना, तो पता नहीं चल रहा सही से कि तीन है कि नहीं है। नहीं, अभी भैया देखता है ना, भैया को नजर आ जाएगा सही से। कितने भैया? वो एक डब्बा निकल गई, वो भाग गई, ये दी, ये देखो, ये तो सिर्फ दो ही है। पक्की बात? पक्की बात। नहीं नहीं यार सही से देखो, तीन थे यार, सिर्फ दो यार। अबान नहीं, ऐसा नहीं बोलो यार, सच्ची में मैं एक मिनट इसकी मोबाइल की ना लाइट जला के देखता हूँ पहले। अभी दोस्तों मैंने ना मोबाइल की लाइट ऑन की है, इसमें देखते हैं हम लोग, और इसमें एक दो, हाँ यार दो ही नजर आ रहे हैं यार। तीसरा बच्चा इसमें मरा हुआ तो नहीं कोई? नहीं। लो तीसरा बच्चा गायब हो गया, इसमें भी कहीं शिफ्ट नहीं किया इन्होंने। वो तो नहीं, खा गई हो? कौन खा गई हो? छिपकली। छिपकली? हाँ छिपकली भी खा सकती है, छोटे हैं ना ये बहुत। नहीं तो अगर छिपकली ने खाया होगा तो फिर बाकी दो को भी तो खाती ना, लेकिन वो शायद छोटा होगा इसलिए, क्योंकि इसमें देखें एक छोटा भी है और एक बड़ा भी है। नहीं तो दो दो थोड़े बड़े थे जब हमने देखा था, और एक तीसरा बिल्कुल छोटा सा था, इधर कहीं नीचे गिरा हुआ भी नहीं है यार। बाबा छिपकली ले गई,
इसमें यार वाकई में ये कहाँ गया। अच्छा ये जो एक और है कि ये भी टूट रहा है ना, कौन सा? नहीं ये वाला सामने वाला पड़ा हुआ है, ये वाला है, टूटा हुआ है। अच्छा ये टूटा हुआ है, इसमें से ऑलरेडी बच्चा निकला हुआ है या फिर बल्कि ये एग आया हुआ है इसमें से? बल्कि नहीं बच्चा नहीं निकला यार, बच्चा निकलता तो पूरा एग टूटता। तीसरे बच्चा निकला था ना उस वक्त, मैंने ऊपर जाके देखा था ये इसमें से निकला था, ये अभी अभी क्रैक हुआ था, ये वही वाला अंडा और तीसरा वाला है गायब। और बाबा ये तो उसी केस की तरह जो ब्लैक डायमंड के बच्चों के साथ हुआ था, वो तो खैर पकड़ में आ गया था ना कि हमारे स्मोकी ने खाया था। नहीं यार ऊपर वो फाद भाई रहते हैं, फाद भाई ने देखा था ना, बताया था। ये दो ही है यार, तीसरा किधर गया? बाबा बाबा ये किसका है? ये क्या है, ये क्या है? नहीं भाई दो ही है, खून जैसा कोई डब्बा भी नहीं है। और बाबा बाबा और पहले ये हमारे साथ रैबिट्स के साथ भी हुआ है, हमारे रैबिट्स का भी एक बच्चा गायब हुआ था ना, फिर हमने देखे थे दो थे बस। यार तुम बहुत ज्यादा वो अपने वो करते रहते थे पहले व्लॉग में, मैं सीआईडी, तो तुम अपने सीआईडी वाला दिमाग का इस्तेमाल करो, मालूम करो कि इधर से एक बच्चा किधर गया है। सीआईडी का दिमाग मेरा ये कहता है कि जो अभी एस्टेब्लिश हुई थी ना 1980 में, मेरा ये वीडियो कहता है कि मैंने बाहर बंदे भी लगाए हुए, कह रहे हैं कि बाहर जो लकड़ियाँ पड़ी हुई थी उनमें से छिपकली आई होंगी और कीड़े मकौड़े जो भी होंगे, ये छिपकली ही कह रहे हैं बहुत ज़्यादा तादाद में आई थी। और देखा भी होगा आपने जू में घूम रहे होंगे, उनके बच्चे भी थे, तो मुझे लगता है कि वो ले गई होगी अपने साथ उस बच्चे को, मेरा ये दिमाग। चलो यार हैरान हो रही है दोस्तों, पता नहीं हमारा जो है ना कहते हैं 10 का बच्चा गायब हो गया, हम तो इतने खुश थे कि हमारे 3 बच्चे आ गए, उनमें से एक जो है गायब हो गया, और अभी 2 हैं माशाल्लाह से। लेकिन अब थोड़ी नज़र रखना बांध के, मतलब कि ये 2 बच्चे भी जो है ना कुछ इनको मसला ना हो। चलें ठीक है, मैं अपनी सीआईडी की एजेंसी को यहाँ भी लगा दूँ। और ये वाला अंडा जो कहा है ना ये जाके घर में दे दो, अब तो ये अंडा हम नहीं रख सकते ब्लैक डायमंड के लिए, इसको पका के खा लो। मगर तो एक डब तो बाहर भी निकल गई, वो जो डब बाहर निकली है वो भैया की ड्यूटी है, भैया पकड़ेगा। भैया किधर है वो डब? ये देखो कितने आराम से हमारे पास आके बढ़ जाते तिलोर। दोस्तों ये देखें हमारा राजू जो है, राजू की टेल दोबारा से माशाल्लाह से आने लग गई है इसकी। जब हम लेकर आए थे तो उस टाइम में टेल काफ़ी लंबी थी और अच्छी, यानी बल्कि अब जो आ रही टेल वो ज़्यादा अच्छी है, लेकिन जो पहले वाली टेल थी वो पता नहीं शिप्पू ने नोच के खाई थी या चिंकी ने नोची थी पता नहीं, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह से अब देखें इसकी दोबारा से टेल जो है ना इतनी प्यारी टेल आने लगी है। और ये बड़ा बदमाश हो गया ये, अब जो है ना अजलान के पास आने लगा है ना, आने लगा खाने के वक्त, कभी कभी आ जाते, मैं अकेला घूम रहा था ना या फिर उड़ के आ जाते मेरे रैबिट जैसे। ये बहुत शाना हो गया ये राजू ना, इसकी किसी दिन पकड़ के इसकी भी ना पिटाई करनी पड़ेगी। ये सिर्फ और सिर्फ खाने के टाइम पे हमारे पास आता है, खाना खाता है, उसके बाद फिर जो है ना हमारे मास्टर केज के अंदर घूमता रहता है। ये बोलता है ना मुझे हाथ लगाओ ना मैं किसी के पास आऊँगा, बहुत शरीर हो गया ये। लेकिन तुम घूमो फिरो कोई मसला नहीं है, लेकिन तुमने टॉकिंग ज़रूर करनी है ठीक है? इसको टॉकिंग आ रही है नहीं आ रही है अभी थोड़ी? तो एक परिंदा कर दे, अभी सीटियां भी मार जाता। कौन है? ग्रे पैरेट। लेकर आओ उसको। अभी हमारा जो ग्रे पैरेट है दोस्तों, आपने लास्ट से लास्ट हमारा कोई ब्लॉग देखा होगा, हम इसको लेके भी गए थे सेल करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो सेल नहीं हुआ है, तो हम उसको वापस ले आए थे उस टाइम में। और अब जो है ना माशाल्लाह ग्रे पैरेट जो है ना हमारे पास आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो अब ये हमारे घर में ना काफ़ी फेमिलियर हो गया है। और ख़ासतौर पर ये मैंने नोट किया कि ये जो है ना गर्ल्स है ना बेबीज, यानी कि जो आयजा है, आयजा को देख के, आयरा को देख के, अहमन को देख के और घर की लेडीज़ को देख के ना उनको देख के ये टॉकिंग करता है, और ये जेंट्स के सामने जो है ना ये कहते हैं जो है ना घबराता है। सिर्फ सीटियाँ नहीं मार रही है, घर वालों ने बताया कि ये बहुत सारी टॉकिंग कर रहा है। जब एमन रो कर रही थी ना, रो रही थी अपने कमरे में, तो जैसे चिकन मारी थी एमन, जैसे उसकी चिकन मार रहा था सेम वैसे ही। अभी बाबा ऐसे हमने खुला छोड़ा था किचन में गया, वहाँ जाके मिट्ठू आवाजें मार रहा था, ये मिट्टू कर रहा था, ये अकेले में बैठ के मार रहा था, खुद ही बातें कर रहा ये था। बहुत तेज है दोस्तों, आपको पता नहीं है इसके बारे में, ये इतनी सीटियां निकालता है और इसके सामने आप जैसे रोगे या हंसोगे ना सेम वैसी नकलें उतारता ही है। और बिल्कुल अकेले में होता है ना तो ये बहुत ज्यादा जो है ना फ्रिक्वेंटली बातें करता है, पूरे पूरे सेंटेंस बोलता ही है। किसी दिन इसकी वीडियो अकेले में बना के आपको दिखाएंगे। वीडियो से याद आया बिल्कुल, ये बहुत ये भी शाना है, इसकी वीडियो बनाने की कोशिश की घर वालों ने, जैसे ही कैमरा सामने आता है चुप हो जाता है। हमने वीडियो बनाई है, हम लोग आपको देंगे वो। बनाई है आपने? तो फिर आप मुझे वीडियो शेयर करना ताकि मैं दोस्तों को भी दिखाऊँ, दोस्तों को पता चले कि कितनी टॉकिंग करता है माशाल्लाह से। आओ बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, तो चू इसको नीचे रखो, नीचे रखो, आ जाएगा बाहर थोड़ी देर में, खुद ही आएगा बाहर। तो तू बाहर आ जाओ, तो तू मिठू आवाजें मारता है, मिठू करता है ना ये पूरा, मिठू बोलो तो मिठू आवाजें मार रहा है। बस होते हम लोग ना इसकी आवाज हम लोग उठ जाते हैं, मिठू
ऐसा लग रहा है किसी से फोन पे बात कर रहे हैं। सुबह सुबह इतनी चीखे मार रहा होता है ये, ऐसे कभी टहना टहना टहना, कभी क्या बोल रहा था, कभी चीखे मारता है, अपनी इतनी भयानक आवाज भी निकलता है, फिर प्यारी आवाज भी निकलता है। तुम चुपके से इसको चेक करना, कहीं वाकई फोन पे तो बातें नहीं कर रहा होता वो हमारा फोन। बाबा बाबा, और ये तो आपकी आवाज भी निकल लेता है। मेरी आवाज? हाँ, मैं सोचती हूँ बाबा आ गए, मगर बाबा आप गए भी होते ना कई बार संभाल लेते हैं, ये आपके आवाज के लिए निकालता है। मुझे लगता है बाबा आवाज का सामान लेके आ गए, और ये ऐसे टक टक आवाज निकालता है, ऐसा लगता है मैं दरवाजे पे कोई आया हुआ है। यार ये बच्चे तो इतनी सारी चीजें इसकी बता रहे हैं, मुझे तो फिर सोचने मजबूर हो रहा हूँ कि इसको बेचें भी कि ना बेचें, जब इतना जबरदस्त है तो फिर हम इसको बेच क्यों रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि मतलब कि जो है ना जिनकी है ये चीज़, वो कह रहे हैं कि इसको सेल करना है, तो फिर हम कोशिश करते हैं उनसे बात करते हैं, अगर वो एग्री होगा तो फिर इसको हम रख लेते हैं अपने पास। हाँ ये बात तो मैंने भी नोट की है, ये जो आयदा बोल रही है बिल्कुल ऐसा है, ये अपने पाँव जो है ना पिंजरे के अंदर ऐसे ऐसे खुरचता है, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई चल के आ रहा है, यानी किसी की ना चलने की आवाज ऐसे पैदा होती है इसके पाँव खुरचने से। और ये वक्त करता है जब हम लोग कोई रोटी लेके जाने हैं, पानी, ये पानी मांगता है ऐसे और रोटी मांगता है। और एक और चीज़ है इसकी, इतनी सारी चीज़ें दोस्तों आज हम आपको बता रहे हैं, एक और चीज़ है, घर वालों ने बताया कि घर में जब भी जो है ना खाना बनने लगे, खासतौर पर रोटी या पराठा वगैरह बनाने लगे, तो उसकी खुशबू सुन के ना ये फिर बोलना शुरू हो जाता है, और फिर बोलता रहता है जब तक इसको थोड़ा सा पराठा या रोटी ना दे दो, ये चुप नहीं होता फिर। मैं मन कह रहा उसको हग मार लूं और अपने बिस्तर पे सो लूं, मगर बाबा ये चक्की भी बहुत जोर से काटता है। चक्की भी मेरे पैर पे सुबह काटी, मैं पिंजरे के पास बैठता तो इसने काट ली थी जोर से, और अभी जब हमने इसे घर में छोड़ा था इतना प्यारा लग रहा था, चलते हुए ऐसे चले जाता, फिर जाके मिठू मिठू आवाजें मार रहा। बाबा ये किचन में जाके ना खाने के लिए चला था। दोस्तों अभी हम लोग एक टेक्निक लड़ा रहे हैं कि हम लोग चाह रहे हैं कि ये बाहर आए घुल मिल जाए, तो हम लोग ये कर रहे हैं कि इसका मुंह बाहर की तरफ कर दें, जहाँ खाना डालेंगे तो सारे परिंदे खाने आएंगे खाने को देख के, तो ये भी इनके साथ आ जाए बाहर, ऐसे फ्रेंडशिप हो जाएगी। इसको बाहर निकालने के लिए ये तरकीब हमने सोची है, क्योंकि वैसे तो हम इसको ज़बरदस्ती पकड़ के बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन फिर ये और गुस्से में आ जाएगा, तो इसलिए जो है ना इसको हमने यहाँ पे रख दिया इसके केज को, और अभी जो है ना दाना डालते हैं। इधर दाना डालो, सारे कबूतर वगैरह और परिंदे खाना खाने आएंगे ना, हो सकता है कि ये उनको देख के बाहर आ जाए। दाना डालो भाई, ये देखो सारे आ गए। वो तोतू तो बिल्कुल ही उधर मुंह करके बैठ गया, वो तो बाहर ही नहीं आ रहा, वो तो आ ही नहीं रहा बाहर, वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रहा भाई। ये सारे तो हमारे रोजाना माशाल्लाह इसी तरह खाते हैं खाना, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा। आ जाओ तोतू, बाहर आ जाओ तोतू। पहले तो ये है कि हमारे पास ये रहता नहीं रहता, जब रहेगा फिर नाम सोचेंगे इसका। तो तू आ जाओ बाहर, नहीं आ रहा तो तू आ जाओ, जाओ तुम बुलाओ तो तू नहीं आ रहा भाई बाहर, गुस्सा कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, आ रहे आ रहे, जाओ बाहर निकलो, बाहर निकलो, चलो जाओ बाहर जाओ, चलो चलो। पकड़ लिया इसने, बाहर आएगा नहीं, पकड़ लिया उसने, पकड़ लिया पिंजरे को, पकड़ लिया उसने अपनी चोंच से ना। आ जाओ तो बाहर आ जाओ, आ जा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, अब क्या करें। चलो कोई बात नहीं, फिर खुद ही थोड़ी देर में आ जाएगा ये बाहर। बाहर आ गया, नहीं अंदर, प्रैंक कर रही है, अभी दरवाजे पे आया फिर अभी अंदर आ गया, वो भी मस्तियां ले रहा है, वो कह रहा है आ रहे 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 आ रहे, जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे, आ जाओ तो बाहर आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। हाँ थोड़ा सा वो डर रहा है ना, क्योंकि इतने सारे परिंदे एक साथ देखे ना उसने, पहली बार देखना होगा, मतलब बाहर वैसे तो उसने देखे हैं परिंदे। सर बाहर आ गया, बाहर आ गया, बाहर आ गया, तो तू आ जाओ, तो तू आ जाओ बाहर, अबे तुम तो हटो पीछे से स्नोई, ये देखे सर जो है ना बाहर आ गया, आ जाओ जल्दी से बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, ये वेरी गुड वेरी गुड, तुम तो हटियो, तुम क्यों इतनी वीडियो बनाने की शौकीन हो रही हो, आ जाओ जी। अच्छा सारे व्लॉग बनाने की शौकीन है, वो व्लॉग बनाने की शौकीन नहीं, वो खाना खाने की शौकीन है। कंटेंट क्रिएटर बन गया मैं, देखते आ गया आ गया आ गया, तो तू आ गया बाहर, आ गया भाई आ गया, क्लैपिंग क्लैपिंग, ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो जाओ तुम भी इनके साथ खाना खाओ, ये नहीं कह रहा, नहीं मैंने नहीं जाना है, मैं अकेला इधर बैठा रहूँगा।
जाओ चलो, बल्कि इसको यहीं बैठा रहने, इसको तंग नहीं करो, ये अपनी मर्जी से नीचे उतरेगा पिंजरे से। जब बाहर आ गया ना तो अब ये नीचे भी खुद ही आ जाएगा अपनी मर्जी से। अबान जो है ना वो कह रहा है मैं कोशिश करता हूँ बाबा इसको हाथ में बिठाने की, आप नहीं इसके इसके वो चोंच की तरफ नहीं लेके जाओ, पाँव की तरफ लेके जाओ, पाँव की तरफ, पाँव की तरफ लेके जाओ, हाथ बढ़ जाएगा। हाँ लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ, बिठा लो आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। अबान डरो नहीं, अरे यार कुछ भी नहीं करेगा, थोड़ी ट्राई तो करो, मैं करूँ तो तू काटना नहीं काटना नहीं, ये देखो ओए काटते नहीं है तो तू ये देखो सेट हो जाएगा ये। अभी एक एक दफा मैं जब कर रहा हूँ ना फिर आप नहीं करो, या अगर आप कर रहे हो तो फिर मैं नहीं करता, इस समय डिस्टर्ब हो जाएगा कि यहाँ से भी हाथ लगा रहे हैं वहाँ से भी हाथ लगा रहे हैं। तो तू बस आ जाओ आ जाओ, काटते नहीं काटते नहीं काटते नहीं है यार, नहीं छेड़ो ना बान, गिलास से डरेगा यार, क्या हो गया, गिलास से थोड़ी होता है, तुम कैसी पागलों वाली बात कर रहे हो, गिलास से थोड़ी वो आपके साथ टाइम होगा, वो तो और डरेगा। पहले यार नहीं हाथ पे बैठ गया था मेरे, आपके हाथ पे थोड़ी बिठाना है सिर्फ, इसको टाइम भी तो करना है ना, टाइम करना है तो फिर उसके लिए हाथ से इसको करो, ये गिलास टन के नहीं करो। आयो चोचू आ जाओ चोचू, ये देखो थोड़ा थोड़ा हो रहा है काम, ये देखो अब हाथ लगाने दे रहे अबान, ये देखो तुम्हारे हाथ पे भी आ रहे बैठ रहा है, ये देखो वेरी गुड, आराम से आराम से आराम से, इसके तो पंजे पे उंगली रख लो, पंजे पे उंगली रख लो ताकि गिरे नहीं है, ये देखो माशाल्लाह से थोड़ी सी देर के अंदर देखो आ गया तुम्हारे हाथ पे, थोड़ा सा टाइम दोगे तो कितना टाइम हो जाएगा ये। चोचू चोचू बोलो से बातें करो, बातें करेगा शुरू शुरू में बैठ गया था ना, क्या लेके आए, बीज जो है बीज, नहीं नहीं वो जो है ना इसको बीज खिलाने से मना किया दोस्तों, इसको क्यों ना थोड़ा सा जो है ना यानी बीच में बीमार हो गया था ये, तो उन्होंने बताया कि इसको जो है ना बीज बिल्कुल भी ना दें, इसको रोटी वगैरह खिलाएं, डबल रोटी खिलाएं पानी में भिगो के, और इसको काले चने होते हैं वो पानी में भिगो के खिलाएं, तो अभी उसके बाद से हमने इसको ब्लैक बीज जो होते हैं ना सोयाबीन के, वो सोयाबीन के बीज देना इसको बिल्कुल बंद कर दिया हमने। ये देखो बान कितना सेट हो गया यार, तुम बोलते हो कि काट रहा है काट रहा है, ये आप उसके मुँह में क्यों उंगलियाँ लेके जा रहे हो, आप वैसे प्यार करो पीछे उसके सर पर प्यार करो। मिट्टू मिट्टू दोस्तों को बोल के दिखाओ, हमने तुम्हारे बारे में इतनी सारी बातें की हैं, तुम थोड़ा सा बोल दो यार ताकि दोस्तों को यकीन आ जाए कि हमने सच बोला है। तो तू ऑफ कैमरा बोलता है ये, यानी कि अकेले में बैठ के बोल। टोटू 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 छुपके छुपके वीडियो बनाती हो तुम, है शरीफ, ऐसे बनाने नहीं देता ना ये, अभी भी शायद कैमरा सामने है इसलिए दोस्तों ये जो है ना बोल नहीं रहा है, वरना बहुत टॉकिंग करता है माशाल्लाह से ये। वो राजू उधर पंगे कर रहा है, आ जाओ राजू तुम भी आ जाओ, राजू को जेलस करता है। राजू देखो हमारे पास नया तोता आ गया, देखो तुम हमारे हाथ पे आके नहीं बैठते ना, हम नया वाला लेकर आ गए, आ जाओ तुम भी आ जाओ, ये देखो वो बोल रहा है टें टें मेरी बला से, तुम लोग नए लेकर आओ पुराना लेके आओ, मैं अपना आज़ाद हूँ। दोस्तों आप लोगों ने ना हमें कमेंट से जरूर बताना है कि हम अपने इस ग्रे पैरेट को अपने पास रखें कि ना रखें, तो आपकी कमेंट से हम जरूर इंतजार करेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का ब्लॉग, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।